हाँ जी कहाँ भाई चले गए थे भाई? भाई कुछ नहीं, वॉलेट लेने गया था घर से। वॉलेट भूल गया था घर पे, तो बाल को बाल कटवाने जा रहा हूँ। भाई भाई के अभी 100K करवाए हैं लाइव चला के, इसलिए मैंने अपनी बंद करी थी पहले। मैं कहा भाई के 100K करवा देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। ये पूना के है, धूप क्यों है उधर? ये भाई यूएस में है। ऐसे क्या तभी बोल रहा है, इतना धूप क्यों लग रहा है उधर? बज रहा है अभी दोपहर। मोनू भाव का ऐड करो ना। मोनू भाई आए ना है क्या अभी? 100K कितने दिन में हुए भाई आपके? अभी हो गया अभी नहीं, बहुत दिन में हुए हैं वैसे तो। अच्छा नहीं भाई, वैसे तो बहुत दिन लगे। नाइस नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। भाई मोटी भरा मैं लोटी भरा मैं लोंडा। हमारा टू सीटर मर्सिडीज बेंज ले रहा है, एंडेवर ले रहा है, सारी गाड़ियां ले रहा है लोंडा। क्या करने का अभी है, पर थोड़ा पर बेचारा बहुत सीधा है। गोल्ड भाई बहुत सीधा है। जी 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 आप आ रहे नहीं ना हमारे इधर? आएंगे भाई, आएंगे गोल्डी भाई, आएंगे जब पुणे और मुंबई घुमा कर लाएंगे गोल्डी भाई को भी। पक्का पक्का आ जाओ भाई आप भी। जी भाई। अभी आप तो भाई क्या भाई, 1 बजे है दिन का? बाप रे, एक दिन एक इधर तो पूरा अभी आधा रात होने को आ गया हमारे इधर। वहां पे 10:30 बजे होंगे। हाँ परफेक्ट 10:30। गोल्डी भाई कभी भी ऐसा नहीं होता जब जब ये पार्टी करके ना सोते हो। रोज का फार्म है इसका वहां पर, रोज 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 पार्टी इनकी, रोज स्टोरी देखे देखना, रोज पार्टी रहे। पार्टी तो ये अपन ऐसे के लिए, ये अगर पियेंगे नहीं तो नींद नहीं आएगा अपने को। क्या चीज है ये भाई? रसना लग रहा है तो। ब्रीजर रसना आगे तो नहीं पीते अपन। ये भाई जब प्रो है ना उनके लिए तो रसना ही है। हाँ रसना के बाद सीधा इधर आते हैं लोग। ब्रीजर में तो नशा नहीं होता भाई, होता है ना? नहीं पाउडर पीता नशा नहीं होता है भाई। राम राम। और हैरी क्या हाल है? हैरी भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। इससे नशा होता है इससे? हाँ जी। ये तो गोल्डी भाई की फेवरेट बियर है। और अगर वो नहीं हो गया तो ये बटवाजर। अरे भाई मैं एड आई उसकी मेरे पास ब्रोकोड बियर की, वो भाई पॉइंट में गोल्डी पॉइंट में 15% अल्कोहल। भाई उसकी भी आई थी मेरे पास तीनों भाई, क्या नाम है गॉडफादर की। वो तो वो एड ना थी, वो तो वो भेजते कार्टून भेजते पूरा, बस स्टोरी लगानी होती है। पर गॉडफादर इसकी ब्रोकोड की तो पूरा वो आया एड आई है पूरी। भाई मैंने मना कर दी थी, मैंने नहीं डाली। ये ब्रीजर वालों ने गलत किया यार टीनू भाई। मेरे को गॉडफादर वाले ने भेज दी, मैंने ऐड डाल लगाई उनकी। मेरे को भेज तो वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं भाई। एक एक बियर में काम हो जाएगा भाई, हम प्रमोट नहीं करते चीजों को भाई। 15% जो ये छोटा पॉइंट है ना, ये जो अभी दिखा रहा था ये स्वप्निल कोरोना वाला बोले भाई, उसमें ब्रो कोड में 10% नहीं जा। हाँ 10% नहीं, हाँ 10% 5% हो गया इससे, 5% हो गया इससे, 5 गुना हो गया इससे, 5 गुना। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, गोड फादर कोई एक पी लेगा वो तो सेट हो जाएगा, वो सरूर बन जाएंगे दूसरी लेंगे। नहीं ब्रो कोड में कह रहे टीनू भाई, ब्रो कोड में। हाँ ब्रो कोड जो भी है। वो आई है क्या? एक दो आगे होगी भाई, पता करना। मैं ऐड एक दो दिन में ऐड डालनी है, उनकी ऐड जाएंगी। पर मजा इसी में आता गोल्डन में, कोरोना में। हाँ कोरोना का टेस्ट भी अच्छा है एक्चुअली, स्मूथ जाती है ना अंदर। इसमें एक नींबू डाल के पियो ना तो और ही टेस्ट आता है भाई। भाई अपन ने तो कभी ट्राई करिए ना, ये तो ब्रीजर ही कदे लेवे ना, तो ट्राई करिए तो भाई। आपने भी यही बराबर है, बीरा व्हाइट पी है एक आध बार ऑरेंज टेस्ट में, आपके लिए तो ब्रीजर ही बराबर है। वो भी अच्छी है भाई। गोल्डी भाई फिर कहाँ चल दिया आज? क्या वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, कहीं घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं मैंने बस जिम जा रहे हैं अभी, मैं लाइव देख रहा था गोल्डी भाई की कटिंग मार रहे थे। ये नाई की दुकान पे आया हूँ टीनू भाई, दिखाता हूँ तुम्हें अभी। नाई की दुकान? वहाँ भी भाई नाई की दुकान है हमारी, वहाँ तो कुछ चोरी होता है।
भी शोरूम होता हुआ ज्यादा वहां तो शोरूम होता हुआ। अच्छा अपने भाई अपने वहां का नाई भी मिलता है क्या कोई एक आदमी? जहाँ मैं कैलिफोर्निया रहता था ना यहाँ पे था एक मेरा बंदा वो देसी था प्रिंस प्रिंस नाम है उसका कैलिफोर्निया में। अच्छा, यहाँ तो सारे मोस्टली गोरे ही हैं, दिखाता हूँ आपको अभी गोरी काटेगी तुम्हारे भाई के बाल। मैं वॉलेट भूल गया था एक्चुअली तो नहीं तो मैं जिम से जाता कटिंग करवाने चला जाता तू भी। सबसे बड़ा बार्बर है भाई सिटी मास्टर बार्बर भाई। क्या फायर लेन क्या लगा लिखा है ना भारी नीचे हाय आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट वन अभी देख रहा था गोल्डी भाई तुम लाइव चला रखी थी 200 बर्पीज मारी आज पूरी। हाँ यार कल भी शक्ल शाम को भी इतनी मारी थी भाई फिट हो पूरी। जब तक तुमने मारे नहीं खत्म नहीं करे तब तक लाइव चला के रखी आज भाई। मैं जीतती हूँ तुझे पता तीनू भाई। हाँ जी आप करो मैं थोड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है तुम पार्टी भाई। हाँ इधर बोलो गोल्डी भाई का भी नेटवर्क चला रहा है। आ रहा गोल्डी भाई का नेटवर्क नहीं आ रहा। आ तो रहा है ना आ रहा है वो पीछे कर दिया उसको गोरी मसाज करवा रहा है कौन करवा रहा है उसको दिखा रहा है हेड वॉश करवा रहा है कोई करा रही है। हां वो दूर से तो आदमी लग रहा है नहीं औरत है बस। हां जी एक सेकंड रुकना एक सेकंड कश्मीरन हो रही है तू भी वहां जाके इन मैडम को बताओ कैमरा ही ऑन नहीं होता पहले भी आपने कहा ना वो थी जेनियस को तो ये नीरू है अभी जो थी लाइव में। गोल्डी भाई तुम्हारा मेरा हेयरस्टाइल ऑलमोस्ट सेम सेम है लेकिन मेरे बड़े हैं ऊपर मैं तो भाई छोटे ही रखता हूं यार तुझे पता। गोल्डी के ना दाढ़ी भर के आती है वैसे। हां जी हां जी तुम्हारी भी तो तीनों भाई पूरी आती है। अरे भाई वैसे भी यहां भी पूरी हमारी यहां नहीं आती तीनों भाई है आपको तो सेट करानी पड़ती रहती होगी भाई हर 10-15 दिन बाद। भाई अगर ना सेट कराता अब लगता यहां पहुंच जाती एक अब इसका कोई कंपटीशन नहीं खेल रहा क्या टीनू भाई तो एक वो भाई है ना तो मेजर में आ जाता अब तो कहीं से बैठे इनविटेशन आ रहा है कैसे तो गया हूं एक बार नहीं जाता आवाज नहीं आ रही गोल्डी भाई बढ़िया गोल्डी भाई का गेट गेट भाई ये पता नहीं इसकी शक्ल कौन सी है उसे मिलती है अर्जुन कपूर से मिलती नहीं मैं डटक गोल्डी भाई का कैमरा है। अब क्या प्लान है या कश्मीर कब तक रुकेगी? लाइक सेम है कल सुबह 9 बजे तक कश्मीर है फिर उसके बाद श्रीनगर जाएंगे फिर उसके बाद सोना सोलान वैली। भाई अर्जुन कपूर से मिल रही नहीं मिल रही इसकी शक्ल तीनों भाई भाई बहुत ब्लर आ रहा फेस। रुको वाईफाई कनेक्ट करता हूं कुछ वाईफाई कनेक्ट कर लो अगर होगा तो। और सुनाओ टीनू भाई क्या चल रहा है? भाई बस कर रहे हैं गर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो तुम? अरे गर्मी यार भाई बहुत बुरी है भाई सच में। भाई टीनू भाई आज तो ऐसी चिपचिपी मौसम हो रहा था ना पूछो मत दोबारा रीएड करना मेरे ख्याल से बहुत चिपचिपा मौसम हो रहा था तो। बाहू को ऐड करते हैं बाहू आए बाहू आ जाओ 5 मिनट बहुत दिन हो गए। अभी लास्ट आए थे ना बाहू उनकी कंट्रोवर्सी में देख रहा था मैं। हाँ राम राम सबको भाई अभी नई आईडी बनाई थी ना बाहु ने मैंने फॉलो कर रखी है वो आईडी। ये आईडी आ तो रहे होंगे ऊपर आपको देखना अभी तो मैंने ऐड करा ना इसलिए नीचे शो नहीं कर रहे होंगे। अभी तो शो नहीं हो रही अब शो होगी अब आ गई होगी नीचे देखो अब
अब दोबारा नहीं आएगी, मैंने दोबारा ऐड करा है। वही तो शो नहीं हो रही। एक मिनट रुको। भाई राम राम। भाव जय हिंद। राम राम। जय हिंद। जय हिंद सबको। जय हिंद। राम राम सबको। भाई कैसे हो भाव? एकदम बढ़िया, शुक्र है मालिक का, सब खुश। आप कैसे? आपका परिवार कैसा है? सबका सब सब बहुत अच्छा है भाव, आप सुनाए बस। सबको मेरा राम राम बोलना। जय हिंद। जय हिंद। जब से जय हिंद करके लौट रही है भाई, ये कश्मीर गई हुई है। अच्छा अच्छा, पता है यहाँ पे इतने ज्यादा आर्मी के लोग हैं ना, उनको देख के इतनी खुशी हो रही है मुझे। Yes. किसी भी एक आर्मी वाले को मिलेंगे तो बोल देना भाव ने आपको जय हिंद बोल दिया। पक्का पक्का बाहर ही है, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है ना यहाँ पे, बाहर ही खड़े। तो करा दे बात ही, करा दे जब बात ही करा दे लाइव में। बाहर निकलना अलाउड नहीं है अभी। या तो वाईफाई कनेक्ट हो रखा होगा ना, बाहर से निकलना पता नहीं चलता। भाई अभी कहाँ, होटल पे ही हो? होटल पे यार। वो शर्ट बड़ी प्यारी लगती थी भाई, जिसपे ग्रीन कलर का वो था ना, जब आप वहां सिंदर जी से मिलने गए थे, क्या नाम उनका? हाय मैं मुझे ना मुझे मुझे गंदी आदत है, मुझे रोज शॉपिंग करने की आदत है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, मैं रोज शॉपिंग करता हूँ। उस दिन भाई ने दिखाया वो घर पे अलमीरा पूरी भरी पड़ी, नीचे रैक भी, वो भी सब कुछ फुल फुल अलग से रखने के लिए। भाई बल्कि आपकी बार है ना, वो नेकी की दीवार होती है हमारे, आपकी बार है ना, जो कपड़े ना वो हो ना, उनको आपकी बार वहां दीवार के वहां रख देना, भाई ले जाना जिसको जरूरत हो, आपकी बार ऐसा करना। आपकी भाभी बहुत मेरे पे भड़कती है, और वो क्या करती है फिर, वो अभी अभी मेरे कम से कम लेने करके 5-6 कबाट भरे कपड़ों से, फिर भी मेरी आदत गंदी है, मैं रोज जाके शॉपिंग करता हूँ कपड़े, मुझे रोज अच्छे लगते हैं नए कपड़े पहनना। भाई भाभी तो नहीं भड़क वो, तो हाँ वो क्या करती है, वो मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ, बाहर जाता हूँ प्रोग्राम विग्राम में, तो वो 3-4 थैली भरती है और बांट देती है सबको। नहीं तो लीड हटा, ईयरफोन्स नहीं लग रही मेरे में, आवाज गूंज रही थी, मैं कहा ईयरफोन लग रही हो। मैं तो भाई क्या हुआ भाव, आपके आवाज बर्थडे पे आ रहे हैं भाई, सबको बता दे भाव का 6 अगस्त का बर्थडे है भाई का। अरे यार मेरा खुद का पता नहीं रहता है मैं किधर रहूंगा यार, मेरा बर्थडे 1 तारीख से चालू हो जाता है, वो पूरा अगस्त में बर्थडे ही मनाते रहता हूँ मैं पूरा टाइम। नहीं नहीं भाई देख लेंगे, वो बात करेंगे, मैं तो अभी आजकल मैं देखता हूँ टिकट बुक करता हूँ, 30 तारीख को 31 तारीख को वहाँ पुणे जाऊंगा, फिर आऊंगा वहीं से। स्वप्निल ने कई बार बोल दिया गाना, अब की बार भाई पिछली बार भी नहीं मिल पाए थे, आपने देखा था कितना वो हो पाया, कैसे गए थे, वो भी लॉकडाउन था, इसमें इतनी पब्लिक आती है, अभी लॉकडाउन नहीं है तो सोच मेरी जिंदगी कैसी बर्बाद होने वाली। अरे नीरू क्या होता है, तू एक मिनट बैठ में है ना, नीरू एक मिनट क्या है मालूम है आपको, भाई विनोद को ऐड करूँ उसको, वो मेरे को मैसेज करा था, मैंने बताया था आपको। हाँ 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 करो 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 करो। आपकी थोड़ी आवाज चेंज लग रही है, तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं नहीं आवाज चेंज नहीं भाई, सो नहीं पा रहा हूँ यार, काम में बिजी रहता हूँ ना तो सो नहीं पाता हूँ मैं। अभी अभी देखो मैं प्रोग्राम के लिए निकलूंगा तो सुबह 4-5 बजे आता हूँ, वैसे तो नींद नहीं मिलती मुझे। भाव दिल्ली कब आ रहे हो फिर आप? आऊंगा आऊंगा भाई, आऊंगा पक्का आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। फैंस के लिए हम गलती से दिल्ली में इतना गंद मच चुका है, किसी को बताएंगे नहीं हम आएंगे तो। नहीं मैं वो लोगों से मिलूंगा ही नहीं, ऐसे लोगों से मेरे को मिलना भी नहीं है। जय हिंद। जय हिंद बेटा, कैसा है? बस आशीर्वाद है तुमसा।
बस 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 आशीर्वाद आई वडिलांचा देवाचा असतो त्यांचा घ्यायचा कधी पण. कसं आहे तू लाईव्ह एक बार सबको अपना थैंक यू सो मच थैंक यू. भाऊ ये मेरे को कितनी कॉल करता है मैसेज करता है इससे आप बात करो इससे पूछो आप. अरे मगर टीनू भाई आपको पता है ना कि मेरा खुद का टाइम मैं बहुत बिजी रहता हूँ यार मेरे को टाइम नहीं मिलता है. भाऊ एक मैं छेद अभी तुम्हारे बर्थडे के दिन आऊंगा उधर अभी मेरे को मालूम हो गया आपका बर्थडे आपकी बर्थ डेट लिखना है मुझे यहाँ पे. मगर क्या है मालूम मुझे आपका बर्थ डेट पता होगा ना मैं लिख लूंगा अभी इधर. नहीं क्या है मालूम है आप आएंगे ठीक है मगर बहुत भीड़ रहेगी फिर ना मुझे बुरा लगता है कि मैं वाला मैं और मेरा बीबी हम दोनों आने वाला है. चलेगा आप आओ 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 हाँ भाई इसने मैंने इसको समझाया मैं कहा भाई बेबात में परेशान होएगा ऐसे जाएगा तो परेशान होएगा वहां पर मत देखियो भाई कहते काफी बात. मैं स्पेशल विनोद तेरे को बताता हूँ मैं स्पेशल यहाँ से गया था भाऊ बताना मिल पाए हम अच्छी तरह से नहीं मिल पाए. भाऊ कैसे हो एकदम बढ़िया राम राम आप कैसे राम राम. भाऊ यहाँ आओ ना यहाँ मनाएंगे तुम्हारा ग्रैंड बर्थडे यूएसए में आओ भाऊ यूएसए में भाऊ मुंबई आओ मैं ये भाई भाई दिल्ली से वैसे यूएस में रहते हैं अभी. अच्छा आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे ही रहते हैं आप. मैं न्यूयॉर्क रहता हूँ भाऊ. अच्छा वेरी गुड आओ कभी भाऊ यही मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे जोनसी क्लब में कहोगे उसमें ही मनाएंगे. जरूर आप भी कभी आइए बॉम्बे मेरे लायक कुछ भी रहेगा बताइए. जी पक्का भाऊ पक्का. पनौड़ी से तो होती रहती है आपकी बातें पनौड़ी अपना वो पनौड़ी को पनौड़ी के ना दिमाग में किसी ने ना पनौड़ी पनौड़ी के ना दिमाग में किसी ने गंदगी भरी है मेरे बारे में. नहीं नहीं भाऊ समझे बहुत इज्जत करता आपकी ऐसी बात नहीं. नहीं सुनो ना मगर पनौड़ी के दिमाग में किसी ने ना मेरे लायक कुछ गंदगी भरी है. वो अच्छा इंसान है मेरा उससे क्या लेना देना है उससे कुछ लेना देना नहीं मेरा. नहीं मैं उस दिन भी मुझे किसी ने बताया कि पनौड़ी मुझे गाली दे रहा था. अभी मैं क्या बोलने का पहले अपने भगवान ने आपको आंखें दिए कान दिए आप पहले सुनो कि आपको कौन बोला आपको किसी ने कुछ कहा तो फिर उसके बाद आप रिएक्ट करो. मैं भी उसके माँ बहन को गाली दू तो फिर क्या मतलब है ना. नहीं भाऊ वो एक्चुअली फिर आप गाली दो फिर उसके बाद आप बोलो गाली दो फिर उसके बाद आप बोलो कि सॉरी यार गलती हो गई. नहीं सुनो भाई भाई आप सुनो ना भाई वो बहुत अच्छा इंसान है उसमें डाउट नहीं कुछ भी समझा. मगर वो एक दो चुती है ना वहाँ पे उनके बहकावे में आ जाता है उसमें से वो सबसे बड़ा ना सबसे बड़ा वो कौन है वो राहुल वो दोगला एक नंबर का दोगला क्या नाम उसका वो राहुल शर्मा. हाँ वो बेवड़ा पी के कुछ भी बोलता है कुछ भी. वो मुझे भी फोन करके ना आप मेरी जान हो आप मेरा ये हो फिर उसके बाद उसको देखते हैं तो फिर उसका अलग ही रहता है कुछ वीडियो तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ यार. नहीं नहीं भाऊ आपकी दिल से रिस्पेक्ट है. अभी उस दिन वो कोई लेडीज अभी सुनो ना तीनू भाई मेरी बात सुनो गोल्डी भाई सुनो मेरी बात. अभी उस दिन क्या हो गया मैं घर पे था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे किसी ने कैसे पनौड़ी और कैसा है भाऊ एकदम मजे में और सब कुछ ठीक ठाक. बस शुक्र है मालिक का एकदम ठीक. तुम्हारा कैसा चल रहा है. बस भाऊ जी रहे और क्या विच वन खुश है ना. बस खुश रहो और कैसे हो सामने बात कर क्या हुआ था मैंने तेरे को समझाया उस दिन भाऊ थे नहीं लाइन पे अब बात कर अपने आप. हाँ उस दिन क्या हुआ मैं था घर पे था तो मुझे ना बहुत सारे लाइव कोई शेयर कर रहा था और मैं चुपचाप बैठा था मैं ये सब मैं पढ़ता नहीं है लफड़े में. मगर वो कोई लड़की ने ना
गुजरात के लिए गाली दिया, गुजरात के लोगों को गाली दिया, गुजरात के माँ बहनों को अपने गाली दिया, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके लिए मैं ना उनके लाइव में जाके उसको बोला कि जो इंसान के साथ आपका गलत है ना, वो इंसान को गलत बोलो, सही है। किसी पूरे पूरे तुम गुजरात को गाली नहीं दे सकते, तुम गलत आदमी है ऐसा बोलता है, गलत है तुम। और तुम लोग लड़की की जात है, तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि तुम यहाँ आके इतना गंदा बात करता है, ये फेम के लिए करता है या क्या चीज के लिए करता है, इन लोग समझ में नहीं आता है। तो मेरे को वो चीज का गुस्सा था कि एक लड़की है, कुछ भी होने दो, अपने हिंदुस्तान की लड़की, अपनी बहन है, बेटी है, वो ऐसा आके खुद के तमाशा बनाए, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। राइट तो इसके लिए मैं वो उधर आके उसको बोला कि आपको सॉरी बोलना जरूरी है, क्योंकि आपने जो बोला है ना वो गलत बोला है, क्योंकि गुजरात में काफी सारे मेरी बहन, मेरी माँ, जिनको अपना दोस्त मानता है, उनकी हर कोई है वहां पे, वो अपना भी हो गया, और अपने कोई माँ बहन को गाली देगा वो अपने को नहीं जमता है। अरे भाऊ, मैंने उसी लाइन में, उस सेम लाइन में मैं बैठा हुआ था भाई। वो दोनों औरतों को मैंने हाथ जोड़े कि भाई तुम्हें जिसको गाली देनी है दो, तुम पूरे गुजराती लोगों को गाली मत दो। मैं लाइव पे हाथ जोड़ रहा था, समझा रहा था, लेकिन वो दोनों औरतें भाई पागल हो चुकी थी भाऊ। सुनो मैं आपको एक बात बताता है, ये कैसे मालूम है, ये जो इंसान सोया होता है ना उसको उठा सकते, मगर जो सोने की नाटक करता है ना उसको कितना भी करो घुंघरू भाई है, वो उठ नहीं सकते। आप कितना भी ऐसे लोगों को समझाओ ये नहीं समझेंगे। सही है। इनको ना, इनको क्या लगता है कि गाली देना इस पे आके हमको फेम मिलेगा, इनको लगता है भाऊ गाली दिया इसके लिए फेम हो गया। अरे भाऊ के पीछे कितना टेंशन है इनको क्या मालूम है। राइट हाँ, मैं किसके लिए करता है, पब्लिक के लिए क्या जरूरत है। फिर अभी 22-25 दिन जेल काट के आया, किसके लिए आया, क्या जरूरत है। मेरे पास पैसा है, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है यार, क्या जरूरत है ये सब करने। मगर यार लाखों लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, उसके लिए मेरे को करना पड़ता है, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता है, इसके लिए मेरे को रोड पे उतरना पड़ता है। इनको क्या लगता है हम भी वैसा करेंगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। गांड पे एक बंबू गिर गया ना, भेड़ चोत पूरा हवा हवा ही निकल जाता है। सही है। ऐसे इन लोग कुछ भी। और दूसरी बात, वो साला राहुल है ना, राहुल शर्मा, वो एक नंबर दोगला आदमी है। अरे वो तो बोल रहा है कि वो आपका जिगरी दोस्त है, वो तो पूरे इंस्टाग्राम में ये बात बोल रहा है। नहीं, बहुत बहुत ही बुरा आदमी है वो, मेरे को उसको उसको ये मेरा ना शेयर करना, वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है जरा भी। मैं लाइव में बता रहा हूँ, वो भरोसे के आदमी जरा भी लायक नहीं है। वो गाड़ी चला के, वो लाइव चला के अलग से वो गाड़ी बकेगा बेवाद में। वो मेरे मुंह पे कुछ बोलता है, पनोड़ी को गाली देता है, वो पनोड़ी के लाइव में आता है, वो पनोड़ी पनोड़ी को भाऊ के बारे में बोलता है। यार क्या मतलब है। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। कई बार समझाया भाई मैंने उसको, बोला मैंने उसको पूछ लेना व्हाट्सएप पे, मेरे को उसने हजारों कॉल किया होगा, एक भी कॉल उसका उठाता है क्या। मैं मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। मैंने तो 7,000 लोगों के सामने ही बोला ना, वो बोलता है कि भाऊ मेरा अच्छा दोस्त है, भाऊ से मेरी पर्सनली बात होती है। मेरी किसी से बात नहीं होती, किसी से भी नहीं। टीनू भी, टीनू को भी पूछ, टीनू मेरे को 15 दिन में एक बार कॉल करता है, वो भी गलती से उठाया तो उठाया, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ नहीं उठा पाता हूँ। बिल्कुल। फिर मैं मैसेज करता हूँ कि कुछ अर्जेंट है तो कॉल करो, वरना मत करो। मेरे को गुड मॉर्निंग, कैसा है भाई, खाना खाया क्या भाई, उसके लिए जरा भी कॉल मत करो भाई। कभी करा इसके लिए कोई मैसेज आया हमारा, बताओ। कभी नहीं, कभी नहीं, इसके लिए इसका फोन उठाता मैं। वो तो राहुल तो बाप रे बाप, उसके पेट में उतर गई, आप मेरे देव हो, भगवान हो, ये हो, लंड हो, लसुन हो, उधर बोल देगा, और इधर इधर कुछ पनोड़ी के लाइफ में कुछ और कर देगा। मैंने तो लाइन में सॉरी बोल दिया था ना, मैंने तो उसी लाइन में सॉरी बोल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो भी
मैं अभी थोड़ी देर पहला आप आने से पहला मैं क्या बोला गोल्डी भाई? हाँ जी हाँ जी यही बोल रहे थे आप। नहीं पनौड़ी के बारे में बोल रहे थे भाई, क्या कह रहे थे? हाँ कि ये बहकावे में आ जाता है। पहला कभी भी ना, अभी मेरे को भी लाखों मैसेज करते हैं पनौड़ी तेरे को देखो गाली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। अरे नहीं भाऊ यार, क्यों मैं क्यों किसी को गाली दूं यार? वो क्या मेरा दुश्मन है जो मेरे को गाली देगा और मैं उसको पलट के मैं भी गाली दूं, क्या मतलब है? सही है। कभी ना कभी तो वो समझ में आएगा कि यार मैंने उसको दिया वो गलत था, जैसा उस दिन आपने मेरे को पहला गाली दिया उसके बाद आपने सॉरी बोला, आपको समझ में आया कि मैंने जो बोला वो गलत था। सही है, ऐसा होता है ना। तो इतना भी किसी को भाऊ आप ना न्यूयॉर्क की ट्रिप बनाओ भाऊ, मोस्ट वेलकम है। कहते हो तो भाई भाऊ पूरा स्पॉन्सर करें तुम्हें। नहीं नहीं स्पॉन्सर की बात नहीं भाई, ऊपर वाले के शुक्र से है सब कुछ, टेंशन नहीं। कभी आओ गोल्डी भाई, ये भाऊ जिस रूम में बैठे है ना, ये जू बीच पे जेडब्ल्यू मैरियट में है और 3 साल से कंटिन्यूसली ये रूम बुक है, देख लो 18 महीना हो गया, 18 महीना हो गया। कोई बात नहीं भाऊ के लिए नंबर 1 लास वेगास में रूम बुक करेंगे भाई। आओ भाव भाव। नहीं, जरूर। भाई आपको वही पनौड़ी मिलेगा भाई, मैं तो बोलता हूँ कि भाऊ आओ भाई न्यूयॉर्क, मोस्ट वेलकम बड़ी। पक्का आएगा 1001% आएगा, 1001%। अभी तो भाऊ का मुंबई से बाहर जाना भी बंद हो रहा है। नहीं नहीं अभी हो गया कर दिया मैंने भाई, इतना भी तो छोटा आदमी नहीं यार मैं, यार इंडिया में रह के इतना नहीं कर पाऊ, इसकी माँ की चूत, फिर पावर का फायदा क्या मेरे? हाँ सही है, इतना तो है यार। सही है भाऊ, जबरदस्त भाई। भाऊ एक बात तो है, जब पब्लिक प्यार करने लगती है ना तो कुछ चीजें हम सोचते हैं कि भाई चल जान दे, नहीं करना है यू नो फैमिली के बारे में, लेकिन जब भाई पब्लिक का प्यार मिलता है ना भाऊ, सच बोल रहा हूँ, मैं लाइव पे अगर मैं नहीं आया ना 3 दिन भाई लोग पागल हो जाते, इतने डीएम्स के भाई लाइव पे आओ लाइव पे आओ लाइव पे आओ, फिर मुझे लगता है कि यार चल इतने लोग वेट करके बैठे है तो मैं जाता हूँ लाइव पे। ये हमारी दुनिया है, ये हमारी दौलत है, इनको कभी नाराज नहीं कर सकते। सही है। और मैं तो देखो भाऊ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ कि मैं तो लाइव इसलिए चलाता हूँ कि भाई लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं, लोगों की जिंदगी में इतनी परेशानी होती है, भाई मेरी लाइव पे आते हैं, बिग बॉस हाउस चलता है यू नो, मजे लेते हैं लोग, भाई लोग अपने अपने घर पे जाके सो जाते, बात हो गई खत्म, दूसरे दिन नया खेला और कुछ नया खेला, तो भाई मैं तो पब्लिक को मजे देता हूँ, मेरा कोई इंटेंस नहीं होता कि किसी के साथ पर्सनली झगड़ा करूँ या किसी की पर्सनली लाइव को मैं उछालू, भाई लाइव पे आओ लोग मजे करो, मैं तो सामने से भाऊ बोलता हूँ कि गाली दो मुझे। मेरे को एक इंसान ऐसा बता दे वैसी भाई साहब, बोल दे वे कि मैंने अपने इंडिया की एक भी लड़की कोई भी नहीं दे उसको गाली दिया आज तक, एक मेरा कोई वीडियो बता दे वे कि मैंने अपने हिंदुस्तान की एक भी लड़की को गाली दिया है या औरत को गाली दिया, एक मेरे को कोई बोल दे वे बस। एक बात बोलना चाहूंगा भाऊ, मैं यहाँ पे इतने व्यूअर्स बैठे हैं, तो अभी 5 दिन पहले एक हरियाणा से एक बच्चा खो गया था, तो उसकी मम्मी मेरी लाइफ पे आई थी, गुड न्यूज ये है कि आज वो बच्चा मिल गया हैदराबाद से, मिल गया वहां पे कुछ मेरे फैंस हो गए, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी गोल्डी भाई, उसके मम्मी पापा उसको आज हैदराबाद लेने गए है, कल उनके मम्मी पापा और वो लड़के वो सारा फैमिली मेरी लाइफ पे आने वाले। क्या बात है, ठीक है। तो भाई आज उसकी मम्मी का फोन लाइक डीएम में बात हुई इनकी फैमिली से, भाई उसकी मम्मी इतनी खुश हो गई, इतनी रो रही थी बिचारी, इतने दिल से ब्लेसिंग दिए, तो भाई मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है कि भाई एक बच्चे को मैंने मेरी लाइफ से ढूंढा भाई। जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए है, कल मैं उस पूरी फैमिली को लाइव पे लेके आऊंगा, और अभी वो लोग निकले हैदराबाद के लिए उस लड़के को लेने के लिए। आपको आपको एक बात बताता है, सुनो ना, आप कितना भी अच्छा करो आपकी अच्छाई जरा भी नहीं दिखती है, आपकी एक गलती है ना, एक गलती बस वही दुनिया को दिखती है बस। हाँ वो तो है, ये गाली देता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, अरे मगर अच्छा कितना किया वो भी तो बताओ लोगों को। सही है, ये तो भाऊ वही बात है कि किसी अपने क्लोज फ्रेंड को 5 बार हेल्प करो, 1 बार मना कर दो तो फिर वो गाली दे। हाँ वो गाली देता है। हाँ तो ये तो यही बात है।
है ना। तो अब लोगों को जो बोलना है बोले भाऊ, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे तो भाई जो करना है वो मैं करता हूँ भाऊ, ठीक है भाई। लोगों को मजे आते हैं, लोग इतने, अब एक लेडी आई थी भाऊ हॉस्पिटल से, वो ऑपरेशन था उसका, मेरी लाइव देख रही थी, वो रोने लगी कि भाई मैं आपकी लाइव इतने टाइम से देखती हूँ, उसका पूरे स्कूल के स्टाफ सब लोग देखते हैं। इतने तो बहुत सारे हो गए कि भाई हम सब लोगों को लाइव पे ले नहीं सकते, है ना भाऊ। मैंने भी आपकी कल एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई बंदे ने आपका टैटू बनाया, कोई बंदा आपके अकाउंट में, मैंने वो वीडियो देखी थी भाई। ये हाँ वो लोग मिल नहीं पा रहा था उसका, मैंने डीएम देखा और मैंने भाऊ के रात को बात कराई उससे, वो रोने लग गया। सही है, तो बहुत सारे क्या है, ये प्यार है ना, यही प्यार है, यही बोला ना अपनी दौलत है, यही यही सब कुछ है ना। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है भाऊ। चलो भाऊ आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मैं निकल रहा हूँ, किसी और को ऐड कर लो भाऊ के साथ बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, चलो मुझे भी, चलो दिलू भाई मैं भी जा रहा हूँ, मेहमान बहुत आए इधर। बिल्कुल बिल्कुल, लव यू भाई, चलो लव यू भाऊ, बाय, थैंक यू सो मच। पूरी कंपनी है इधर तो अभी वो बुरा लगेगा। सारे बैठे भाई से बात करो, जय हिंद जय हिंद। ये गोल्डी भाई मेयर है अपने भाई साहब वहां से। हाँ मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जानते हैं भाई साहब, हम भाई भाऊ के साथ जो रहता है सबको जानते हैं हम। नाइस मीटिंग यू, ठीक है ठीक है सर, जय हिंद जय हिंद।